क्या तुम्हें कभी किसी ने खुदा की मोहब्बत की इंतहा बताई है? अल्लाह की मोहब्बत की इंतहा यह है कि जब उसका बंदा दिन भर गुनाह करने के बाद रात को सोते हुए उससे तहज्जुद की तौफीक मांगता है, तो वो रात के आखिरी पहर उसे अपने सामने झुका लेता है। इसका मतलब जानते हो? वो उसे उन लोगों में शामिल कर लेता है जिन्हें उस पहर सुनने के लिए वो पहले आसमान पर आ जाता है और पुकारता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता कर दूं। कभी गौर करो कि अल्लाह खुद तुम्हें सुनने के लिए पहले आसमान पर आ रहा है। फिर बताओ, जिस अल्लाह को तुम इतने अजीज हो उसी से बदगुमान हुए बैठे हो, जिसकी मोहब्बत का कोई शुमार नहीं, उसके फैसलों पर शक करते हो, जिसकी रहमत इस कदर वसी है कि वो तुम पर निछावर करते नहीं थकता, उसी अल्लाह को मनाते हुए थक गए हो तुम। जब वो खुद कहता है कि मुझसे मांगो मैं दूंगा, तो फिर भी कबूलियत का शक लिए बैठे हो। वो तुम्हारे लिए खुद तशरीफ ला रहा है, फिर भी उस तक पहुंचने से कतरा रहे हो तुम। वो तुम्हें सुनने के लिए मुंतजिर है और तुम उसे इंतजार करवा रहे हो। उसे तुम्हारी आवाज पसंद है, तभी तो तुम्हें सुनने आया है वो। तो फिर बताओ, जिसकी आवाज उसे पसंद आ जाए उसे खामोश कैसे देख सकता है? जिसके बोलने से उसे मोहब्बत हो वो उसे कैसे बोलने का मौका नहीं देगा? वो तुम्हें यहां तक लाया है क्योंकि उसने सब ऐसे ही चाहा था। अगर उसे तुम प्यारे ना होते तो कभी भी तुम्हें तहज्जुद के सजदों तक ना लाता। वो तुम्हारे दिल में कभी इस पहर अल्लाह को मनाने का ख्याल आने नहीं देता। अगर वो ना चाहता तो तुम्हारी मजाल ही नहीं कि तुम चाह सकते हो। अगर वो दुआओं की तौफीक ना देता तो तुम्हारी ताकत ही नहीं थी कि तुम अल्फाज अदा करो। अगर वो तुमसे मोहब्बत ना करता तो तुम्हें खुद को पुकारने का हक भी नहीं देता। लेकिन वो अलवदूद है, बड़ा मोहब्बत करने वाला, मुजीब है, बड़ा कबूल करने वाला। उसने तुम्हारे लिए पहले से यही सोच रखा था। वो चाहता है कि तुम उसके पास आओ, वो तुम्हारा इंतजार करता है। फिर तुम उसके पास क्यों नहीं जाओगे और क्यों यकीन नहीं रखोगे उस पर?